हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 9 जून 2024 दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे आज। और उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी, और बांग्लादेशी पीएम समेत दुनिया भर के 7 देशों के नेता आज इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और इसीलिए दिल्ली में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। आज 9 जून को शाम को 7:15 बजे पीएम मोदी शपथ लेंगे और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश से भी तकरीबन 900 भाजपा नेता शामिल होंगे। हारे हुए प्रत्याशियों को भी आमंत्रित किया गया है। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को कुछ स्टॉक्स में आपको और तगड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट में बुलिश देखने को मिलेगी। और अब मोदी के तीसरे कार्यकाल में नई सरकार में भी भाजपा की पुरानी हनक कायम रह सकती है, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार में मंत्री परिषद में कई अलग अलग दलों के नेताओं को मंत्री बनाने की मजबूरी होगी भाजपा की। और यही वजह है कि इस बार एक्सपर्ट का भी यह अनुमान है कि गठबंधन की सरकार में राजनीतिक स्थिरता भी कम होगी और आम सहमति के कारण निर्णय लेने में भी देरी होगी। हालांकि शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मेरे लिए ये जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन है और वो है मेरी भारत माता। 2 दिनों तक होगा यह शपथ ग्रहण समारोह और फिर किसी एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और फिर 15 जून से इस 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू हो सकता है। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट का भी यह मानना है कि आर्थिक विकास की पुरानी पिच पर ही खेलेगी मोदी 3.0 की टीम, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं इधर विपक्ष का अपडेट देखिए। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की भी मांग की जा रही है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि इंतजार करें, कुछ दिन बाद इंडिया सरकार बनाएगा, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अवैध है, कौन जानता है 15 दिन में क्या होगा। मतलब इंडिया गठबंधन वाले भी इस बार इंटरनली कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है भाजपा की सरकार को बीच में ही बिगाड़ दे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर खबर आ रही कि अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे और अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद अखिलेश ने ये ऐलान किया है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की खबरें थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, अब हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की तैयारी के कारण 8, 15 और 22 जून को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। और बड़ी अच्छी खबर देखिए रेल यात्रियों के लिए। कोविड के समय बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें जुलाई से वापस शुरू होगी और इन ट्रेनों का नंबर भी पुराना ही रखा जाएगा। राहत की बात यह है दोस्तों कि अब रेलवे का किराया और भी कम होगा इससे, क्योंकि ट्रेनों की सप्लाई बढ़ जाएगी। 1 जुलाई से ही अगले महीने से पुराने नंबरों से चलेगी ट्रेनें। कोविड स्पेशल ट्रेनों का दर्जा खत्म कर दिया है और जो 30% किराया बढ़ाया था कोरोना काल के दौरान, वो भी वापस खत्म करने जा रहा है रेलवे। तो काफी सारी स्पेशल ट्रेनों पर अब आपको किराया काफी सस्ता मिलेगा ना, यानी रेल टिकट सस्ता होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा और अब पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है सोने का हमारा इंडिया। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप नंबर पर है और दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर हमारा भारत है। अच्छा, वैसे सोने की खरीदारी से याद आया दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि आरबीआई ने इंग्लैंड से 100 टन गोल्ड वापस भारत मंगवाया है, राइट। तो ऐसी खबरों के बाद अब लोगों के साथ एक नए तरीके की फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की घटना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कई लोग ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कि इंग्लैंड से आया 100 टन गोल्ड लोगों में बांटेगी सरकार, आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपका सोना बुक करें, वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं आजकल, सावधान रहें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए। आईपीओ के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। और वहीं नीट एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही कि नीट में ग्रेस मार्क पर विवाद पैदा हो चुका है और अब इसकी जांच के लिए पैनल भी गठित किया गया है। आपको पता होगा कल से ही नीट रिजल्ट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है और रिजल्ट पर स्टूडेंट सवाल भी उठा रहे हैं। अब खबर है कि 1,565 स्टूडेंट के अंकों की फिर से जांच होगी। एनटीए बोला कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी। मध्य प्रदेश में भी नीट यूजी रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। भोपाल जबलपुर की छात्राओं ने लगाई याचिका और एनएसयूआई ने सीबीआई जांच की भी मांग की है इस मुद्दे पर। देश भर के कई राज्यों में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया और जाने माने अध्यापक फिजिक्स वाला के सीईओ ने भी बड़ा ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे नीट यूजी रिजल्ट्स में गड़बड़ी के मामले को। तो फिलहाल तो राहत की बात यह है कि नीट यूजी ग्रेस मार्क्स की जांच के लिए कमेटी गठित हो चुकी है और 1500 से ज्यादा स्टूडेंट की रीचेकिंग होगी है ना। देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर। अब टोल प्लाजा पर आपको कोई भी बैरियर नहीं मिलेगा। नई मोदी सरकार में कार चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सरकार का नया प्लान यह है कि अब देश भर में लागू होगी सैटेलाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम। एनएचएआई की तरफ से यह नया सिस्टम डेवलप करने के लिए ग्लोबल बोलियां भी मांगी गई हैं और इससे आपको कई बड़े फायदे होंगे। अभी तो फास्टैग जैसा फीचर है, लेकिन इस नए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम में, यानी कि जो उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली होगी ना, इसमें आपको फास्टैग जितना टाइम भी नहीं लगेगा टोल टैक्स कटवाने के लिए। और एक अच्छा फायदा यह होगा कि आपकी गाड़ी जितनी लंबी चलेगी हाईवे पर उतना ही आपको टोल टैक्स देना होगा, है ना।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पान मसाला और तंबाकू निर्माता कंपनियों को टैक्स चोरी में अब मुश्किल होगी। जीएसटीएन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल जीएसटीएन ने तंबाकू निर्माताओं के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है और इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। और वो दो फॉर्म है, जीएसटी एसआरएम 1 और जीएसटी एसआरएम 2। इन फॉर्म में क्या कुछ डिटेल होगी देख सकते हैं आप। ज्यादा जानकारी, इनपुट आउटपुट की रिपोर्टिंग बेहतर मिल पाएगी और इन नए फॉर्म के बाद अब कंपनियों को नए नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा, है ना। और डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर। पहली बार चांद तक पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट एंडर्स की एक प्लेन क्रैश में जान चली गई। 90 साल की उम्र में अकेले उड़ान भरी थी इन्होंने और मौत हो गई। 56 साल पहले चांद के 10 चक्कर लगाए थे इन्होंने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 8 मिशन का ये हिस्सा थे, लेकिन एक दिन पहले देर रात इनकी प्लेन क्रैश में जान चली गई। ये हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी आप देख सकते हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए खबर आ रही कि महिला कांस्टेबल को सपोर्ट करने वालों पर अब भड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। बोली कि इनकी मानसिकता अपराधियों वाली है, ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते होंगे। वहीं उस चंडीगढ़ की सीआईएसएफ जवान के समर्थन में अब पंजाब किसान कांग्रेस भी बोला। कुलविंदर कौर को फंसाया जा रहा, प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे। अभी एक दो दिन पहले कंगना को थप्पड़ मारने की यह घटना हुई थी, आपको पता होगा। चलिए खबर आ रही कि टीवीएस कंपनी ने 45,000 आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को वापस बुलवाया है मार्केट से, क्योंकि इन स्कूटर के चेचिस ब्रिज ट्यूब में खराबी के कारण कंपनी ने इन्हें रिकॉल किया है। और कंपनी का कहना कि फ्री में पार्ट्स बदले जाएंगे, तो अगर आपके पास भी टीवीएस का ये मॉडल है स्कूटर का, तो आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर एक बार चेकअप जरूर करवा ले, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, पोको का सबसे सस्ता स्मार्टफोन 11 जून को लॉन्च होगा, M6। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल प्रो डुअल रियर कैमरा मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 10,700 के लगभग रह सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाने वाले मनोज जारंगे फिर से आमरण अनशन पर बैठे और बोले कि इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इनका कहना कि जरूरत पड़ने पर ये पॉलिटिक्स में जाएंगे और फिलहाल तो इन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू कर दिया मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। मणिपुर में भी देखिए दोस्तों, एक बुजुर्ग की जान लेने के बाद अब हिंसा भड़क गई। जिरीबाम में घर छोड़कर भागे 200 मैथिली लोग। देखिए मतलब कई महीनों से हमारे भारत का मणिपुर जो जल रहा अभी तक भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। और जवानों की एक सफलता देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 और नक्सलियों को मार गिराया। एक 8 लाख का इनामी कमांडर भी ढेर हुआ। 1200 से ज्यादा जवानों ने ऑपरेशन चलाया। वहीं देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान का कहना है कि भारत से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उनकी बयानबाजी के बावजूद हमने कुछ नहीं कहा। कश्मीर समेत हर मसला बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार है। ये कहना पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा का। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय एक्सपर्ट का ये अनुमान है कि नए रक्षा मंत्री जो बनेंगे ना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, उनके सामने भी चुनौतियों का अंबार होगा, क्योंकि चीन और अग्निवीर जैसे मुद्दों से निपटना आसान नहीं होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक अब समाप्त हो चुका है। 3 साल पहले ये विधेयक पेश किया गया था, आपको पता होगा। और इस विधेयक यानी कि नए कानून का मुख्य उद्देश्य था लड़कियों महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 साल किया जाए, जो कि अभी 18 साल है ना। लेकिन ये विधेयक पास नहीं हो पाया और अब आखिरकार 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के समाप्ति के साथ ही ये विधेयक भी समाप्त हो गया। अब अगर ऐसा कानून लागू करना है तो 18वीं लोकसभा में फिर से नए तरीके से इस कानून को पारित करना होगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कितना पैसा जमा हो रहा है, अब सरकार इसकी निगरानी बढ़ाएगी और पेंशन पोर्टल पर आपको एक रिपोर्ट भी भेजनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि एनपीएस पोर्टल पर कितनी धनराशि जमा की गई है, कर्मचारियों का कितना पैसा जमा रहा, हर 6 महीने में इसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें शामिल होगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना आपके मस्तिष्क पर गंभीर असर डाल रहा है। हालात ये कि हर हफ्ता अस्पताल में 4 बच्चे सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के पहुंच रहे हैं। ये कहां का आंकड़ा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश वाराणसी के बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग का यह कहना है। एक हॉस्पिटल का डेटा, यहाँ वीकली 4 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनके ब्रेन में ट्यूमर पैदा हो जा रहा है ज्यादा मोबाइल फोन देखने की वजह से, समझ रहे हो। तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, क्योंकि बीमारियों के साथ साथ ये ब्रेन ट्यूमर का खतरा भी बढ़ाता है। तो आप भी अपने बच्चे बच्चों को समझाएं, ज्यादा मोबाइल फोन खेलने के लिए ना दें। और चलिए अगली खबर देखिए। 3 नए आपराधिक कानूनों की अब पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी गई। अब अलग अलग तरह की धाराओं में दर्ज होंगे अलग अलग तरह के मुकदमे। हाल ही में आपको पता होगा पिछले साल ही भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 3 नए कानून लागू किए थे सरकार ने, तो फाइनली उन कानूनों को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए अब देश भर में पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कानूनों को वापस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था अभी 10-15 दिन पहले, मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब किसान सम्मान निधि के रूप में आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, और वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार की तरफ से ये सम्मान निधि योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है। अभी इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सालाना 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, 2,000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में, राइट। लेकिन अब इसमें 2,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि राजस्थान सरकार देगी। ये घोषणा
घोषणा की है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की तरफ से। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, 4 जून को जो हमारा भारत का शेयर मार्केट क्रेश हुआ था चुनावी नतीजों की वजह से, और उसमें 30 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है। और अब ये मुद्दा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से इस जवाब की मांग भी की है। राहुल गांधी ने भी हाल ही में आपको बताऊंगा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे इस मसले को लेकर। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट, भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से तारीख की जानकारी दी गई। दरअसल ईद उल फितर के उलट बकरीद का त्यौहार चांद दिखने के 10वें दिन मनाया जाता है। और मुफ्ती मुकर्रम का कहना के लिहाजा ईद उल अजहा का त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा, यानी इस बार 16-17 जून को रहेगी बकरीद। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में लगेगा देश का सबसे बड़ा एथेन क्रेकर प्लांट, 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले में ये प्लांट लगाया जाएगा आस्था तहसील में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एनडीए सरकार बनने के बाद बुजुर्गों को होगा बड़ा फायदा, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज भी मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, तो इस नए कार्यकाल में सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखेगी और बुजुर्गों को इसमें अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारी फिर बनेंगे भाजपा सरकार के लिए मुसीबत। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने, और 1 जुलाई से देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा। फिलहाल ये हरियाणा राज्य में सरकारी कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब आर पार की लड़ाई होगी, सभी जिलों में निकाले जाएंगे आक्रोश मार्च भी। 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ये अभियान चलेगा आक्रोश मार्च का। और वहीं देखिए हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी बोले कि राज्य में 50,000 सरकारी नौकरी देंगे, नए एचएसएससी चेयरमैन को भी शपथ दिलाई। और सैनी ने कहा कि ग्रुप डी के पद जल्द ही भरे जाएंगे। तो ये वाकई में हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और वहीं देखिए हरियाणा में एक और नया प्लान, प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी की होगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव में था सबसे बड़ा मुद्दा, अब पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री के सामने इस बात की मांग रखी गई है। यहां पर पीपीपी का मतलब है दोस्तों परिवार पहचान पत्र से, और प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी बीपीएल राशन कार्ड की परेशानियों को दूर करने के लिए अब हरियाणा सरकार समीक्षा करेगी। और वैसे कल ही हरियाणा सरकार ने एक और शानदार योजना शुरू की थी, मैंने आपको बताया भी था, अब 1000 किलोमीटर तक सालाना फ्री में यात्रा कर पाएंगे लोग। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में मोदी और अमित शाह का स्ट्राइक रेट बिल्कुल जीरो रहा, 5 रैलियां की लेकिन सभी लोकसभा सीटें हारे, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 6 जगह पर गए और 5 में कांग्रेस जीती। इन चुनावी नतीजों को देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा एक और अपडेट है, 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएमओ की तरफ से भी ये पुष्टि की गई। और कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कहा कि हमें 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए नौकरियों को लेकर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1,30,00,000 एम्प्लॉय की नौकरी जाने का खतरा है, जोम्बी कंपनियों के कुछ फैसलों ने एम्प्लॉय की आफत बढ़ाई है। ये आंकड़ा दुनिया भर का है, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 1 दर्जन देशों में मौजूद करीब 7,000 जोम्बीज कंपनियों में कम से कम 1,30,00,000 एम्प्लॉय की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन कंपनियों के बंद होने की नौबत दिख रही है। इसका खुलासा एक इकोनॉमिक एनालिसिस में हुआ है, जैसे मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट होती है ना, वैसे ही है वेलेंस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आपका दिल करे मन करे तो एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए मौसम समाचार में देखते हैं, दिल्ली में 3 दिन लू का येलो अलर्ट है, आज रविवार से सूर्य अपना और तेवर दिखाएगा, मतलब गर्मी और बढ़ेगी, पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं परेशान करेगी, महाराष्ट्र कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी है, आईएमडी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र में तो देखिए आंधी अंधड़ बारिश में 8 लोगों की जान चली गई, और अगले 5 दिन तक अंधड़ गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार के भी 10 जिलों में तेज आंधी बारिश के आसार है, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में भी देखिए तूफान की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, आज भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ये देखिए आप राजस्थान के 4 जिलों में तो कल बारिश के साथ ओले भी गिरे, जयपुर बीकानेर चूरू में धूल का गुब्बार छाया, 12 जिलों में राजस्थान में आज बारिश की चेतावनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हुई, सुकमा के रास्ते तय समय से पहले पहुंचा मानसून, बस्तर संभाग में अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी। और बिहार में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, कुछ जिलों में 31 जिलों में गर्म दिन की संभावना है, हालांकि 13 से 15 जून के बीच बिहार में मानसून की एंट्री हो जाएगी, और आज भी कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी मैंने आपको बताया था ना। झारखंड में 11 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट है ना। और हरियाणा में देखिए 2000 किलोमीटर दूर है मानसून, 12 दिन चलेगी लू, फिर पूर्वी पाकिस्तान उत्तरी राजस्थान दक्षिणी पंजाब में कम दबाव से 12 जिलों राहत भी मिलेगी। चंडीगढ़ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हुआ,
रहा फिर बढ़ने लगा तापमान। हिमाचल प्रदेश में 15 जून तक प्री मानसून की बौछारें छाई रहेगी, 20-22 तक बरसात की एंट्री होगी। और यूपी में तो देखिए दोस्तों फिर से 45 डिग्री तक पहुंचा पारा प्रयागराज में। वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ जिलों में बारिश की भी चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों तो देखिए महंगा हुआ सोना, चांदी की भी चमक बढ़ी है। सोने के भाव में 137 रुपए की तेजी देखी गई जबकि चांदी में 318 का उछाल आया। और अभी सोना 71,913 पर चल रहा जबकि चांदी 90,535 पर चल रही है। और वहीं देखिए मार्केट से बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट से पहले फोन पे कंपनी का आईपीओ आएगा, कंपनी की तरफ से पूरा प्लान भी किया जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू परिवार की भी संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ रुपए बढ़ी है क्योंकि हेरिटेज फूड्स में इनकी अच्छी खासी स्टॉक हिस्सेदारी है और इसके शेयर चुनाव रिजल्ट के बाद 55% तक बढ़े हैं, तो इस वजह से इनकी नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। और वहीं देखिए को फाउंडर सचिन बंसल ने एथर एनर्जी से एग्जिट किया। सचिन ने अपनी बाकी बची हुई 7.5% हिस्सेदारी हीरो और जेरोदा के निखिल कामत को बेच दी है। ये फ्लिपकार्ट के को फाउंडर थे सचिन बंसल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप नकली दूध, नकली पनीर, नकली मावा तो आपने सुना होगा, लेकिन आप बाजार में नकली सरसों भी बिक रही है, फिर आपको शुद्ध तेल कैसे मिल पाएगा। हाल ही में राजस्थान की मंडियों में कई नकली सरसों बिकने के 3 मामले सामने आ चुके हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। और कुछ दुर्घटना से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में 2 ट्रक भिड़े जिसमें 4 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई। और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से बड़ी बस उत्तर प्रदेश में पलट गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक महिला और एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को चपकी आने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चुनावी नतीजों के बाद अब एक्शन में आए सीएम योगी। पेपर लीक पर कानून लागू किया जाएगा, सरकारी नौकरियों की भर्ती में तेजी लाई जाएगी। दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में दिखे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनेगा। सीएम ने चयन आयोग के अध्यक्षों की बैठक भी ली और एग्जाम में सोल्वर गैंग पर भी सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम योगी ने और भी कई निर्देश दिए, बोले कि जनता के बीच जाएं, हमें वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं है। वैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि योगी की इस मीटिंग में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में ही रुके हुए हैं आज पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और सीएम योगी ने बैठक में पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की, बोले कि 30 जून तक सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच जानी चाहिए पहली तिमाही की पेंशन। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, ग्रीन कोल प्रोजेक्ट पर भी उत्तर प्रदेश सरकार अब फोकस करेगी। कचरे से बिजली बनाने के लिए नोएडा में प्लांट लगाया जाएगा, प्रतिदिन 200 टन ग्रीन कोल और 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो खराब चुनावी नतीजे आए, यानी कि अधिकतर सीटों पर जो बीजेपी की हार हुई, उसका असर अब दिखने लगा है। सीएम योगी एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लेते जा रहे हैं, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। बहरहाल खबर ये भी है दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी भी 11 जून को उत्तर प्रदेश काशी का दौरा कर सकते हैं और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, अब यूटीएस ऐप से कहीं से भी आप रेल टिकट बुक कर पाएंगे। पहले रेलवे स्टेशन के 500 मीटर तक के दायरे में आना होता था, लेकिन ई टिकट को बढ़ावा देने की पहल के चलते इंडियन रेलवे की तरफ से ये नया अपडेट जारी किया है। बिहार समस्तीपुर रेलवे मंडल की तरफ से निर्देश भी दिया गया इस संबंध में। और खबर है 10 जून से लागू होगा विद्यालय का नया शेड्यूल। बिहार में नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा, अब सुबह 6:30 बजे से लगेगी क्लासेज। और भी इस नए समय के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर है दोस्तों, बिहार बेतिया से 9 जुलाई को चलेगी भारत गौरव ट्रेन भी। पाटलिपुत्र स्टेशन पर रुकेगी, तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हुए 19 जुलाई को वापस लौटेगी। अगर आप भी धार्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते तो आप irctctourism.com पोर्टल पर जाकर इस बाबत ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए लॉन्च किया ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024। वही खबर है कि भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन भी शुरू किया है। भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नए ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। 31 मई को विदेशी मुद्रा भंडार $651.5 अरब तक हुआ। चलिए खबर आ रही कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अब चुनावी नतीजे आने के बाद ये नया प्लान बनाया है। वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है कि अब हर सप्ताह 2 दिन होगी बैंकों की छुट्टी। कस्टमर की सहूलियत के लिए ये बदलाव लागू किया जा सकता है। बैंकिंग ऑपरेशन में इस तरह के बदलाव को लेकर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, आयुष्मान कार्ड से होगा अब गंभीर बीमारी का भी इलाज, क्योंकि इस नए पैकेज में 600 और बीमारियों को जोड़ा गया है। और ये खुशखबरी मिली है मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को, क्योंकि अब सामान्य बीमारियों के साथ साथ गंभीर बीमारियों और टोटल 600 और नई बीमारियों को भी इसमें जोड़ दिया, जिनका इलाज अब आयुष्मान कार्ड भारत योजना के तहत हो पाएगा, है ना। वैसे मध्य प्रदेश में सरकार का एक और प्लान है, अब घर घर बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मोबाइल की तरह इन मीटर में आपको बैलेंस रखना होगा। डोर टू डोर मीटर रीडिंग भी बंद हो जाएगी। चलिए खबर है, साइबर तहसील से रुकेंगे जमीन के फ्रॉड। रजिस्ट्री के बाद अब सीधे तहसीलदार के पास पहुंच जाएगा रिकॉर्ड भी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये एक और प्लान बनाया गया है, जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर अभी क्या व्यवस्था है और गवर्नमेंट का ये नया प्लान क्या है, डिटेल आप देख सकते हैं।
चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। राजस्थान में केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई अब बिल्कुल फ्री होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ये नई योजना लागू करने जा रही है और इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी 1 जुलाई 2024 से ही, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। ओलंपिक व पैरालंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए तक मिलते थे, लेकिन अब सीधे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही। सरकारी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया, लोन महंगा हो चुका है। जी हां, दरअसल यूको बैंक की तरफ से अपने लोन की रेटों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जबकि आरबीआई ने तो रेपो रेट नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी अब कुछ बैंक लोन महंगे करने जा रहे हैं। यूको बैंक का कहना कि 10 जून से एमसीएलआर में 0.05% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और इस बढ़ोतरी के बाद बेसिकली अलग अलग तरह के टाइम पीरियड के लिए लोन की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा पत्नी पति की पेंशन पर हक नहीं जता सकती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी की तरफ से मृतक पति की पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति पर दावा करने वाली याचिका पर यह बड़ी टिप्पणी की है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना है कि हक नहीं बनता है। ये पूरा मामला क्या था डिटेल आप देख सकते हैं। और वैसे पति पत्नी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया कि पत्नी का व्यभिचारी होना भी पति के लिए एक मानसिक क्रूरता के समान ही है। अगर पत्नी शादी के बाद भी किसी और के साथ संबंध रखती है, बॉयफ्रेंड रखती है, तो इसे एक तरह से पति के लिए मानसिक क्रूरता माना जाएगा और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उत्तराखंड के युवा ध्यान दें, प्राथमिक शिक्षकों के 3368 पदों की भर्ती पर एक नया अपडेट सामने आ रहा है और सरकार का कहना है कि जल्दी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राइमरी टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट आने वाली है। और खबर है उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा आज शुरू होने जा रही। 470 केंद्रों पर शामिल होंगे लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस भर्ती में 30% तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। और वहीं युवा छात्र छात्राओं के लिए एक और अच्छी खबर है। अब एक क्लिक पर बनेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं काटने होंगे नगर निगम के चक्कर भी। आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनाना, आय प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ अब ऑनलाइन बनवा पाएंगे आप इस पोर्टल के जरिए। उत्तर प्रदेश आगरा नगर निगम ने यह नई सुविधा शुरू कर दी है। और कॉलेजों में एडमिशन की पॉलिसी में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। लड़कियों को लेकर सरकार ने एक नया फैसला लिया है। 10 जून से ही ये नए एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं और इन्हीं एडमिशन के साथ ये नया नियम भी लागू हो जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से 3% बोनस अंक वगैरह और इस तरह की एडमिशन पॉलिसी में बदलाव किया। कॉलेज एडमिशन पॉलिसी के कुछ प्रमुख बदलावों के पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा भी कुल सीटों की 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, है ना। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए एक श्रद्धांजलि दोस्तों। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन हो गया, हैदराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने भी इन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। ईश्वर इन्हें आत्मा की शांति दे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, यूएन का बड़ा फैसला देखिए। इजराइल और हमास अब शर्मसार करने वालों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। गाजा में मासूम बच्चों की जान के बाद अब यूएन ने फैसला लिया। नेतन्याहू बोले कि हमारी सेना में सबसे ज्यादा इंसानियत है। वहीं दोस्तों आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के अपडेट बता दूं। विनायक चतुर्थी है कल और इस दिन आपको भगवान गणेश के साथ साथ शिव जी और माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। वहीं आज के राशिफल पर नजर डालें तो मिथुन राशि वालों को तरक्की मिलेगी, कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा, धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत काफी अच्छी होगी। मिथुन और कुंभ राशि के लोग निराशा से बचें और बाकी धनु के लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश भी करेंगे और सफलता भी मिलेगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में कौन सी दो मसाला कंपनियों के मसालों में ज्यादा कीटनाशक की मात्रा पाए जाने का मामला सामने आया था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।